स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे आज के सेशन का टॉपिक है किडनी। आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी किस तरह से दूसरे पार्ट से जुड़ी हुई होती है, कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आज हम ये देखेंगे। तो एक नॉर्मल अडल्ट किडनी जो है ना, वो 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर मैं बात करूं, तो हमने पहला फैक्ट बताया कि नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन किडनी जो है ना, वो 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। दूसरा, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, यानी इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि ये अगर नॉर्मल ह्यूमन किडनी है, क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, किडनी का स्ट्रक्चर जो है ना, वो कुछ बीन शेप्ड होता है। किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो बीन शेप्ड होता है। बीन आपको पता है क्या होता है? आपने जो है ना, वो अगर लोबिया जिसको हम कहते हैं बीन, उसको अगर देखा हो, लोबिया या जो है ना राजमा जिसको हम कहते हैं, तो वो उस शेप की हमारी किडनी होती है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बीन शेप्ड होती है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है और 3.5 सेंटीमीटर थिक होती है। यानी जो इसकी मोटाई होती है वो तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर थिक होती है। अच्छा, अगर किडनी का वेट लगाया जाए, अगर मैं वेट देखता हूँ किडनी का, तो किडनी का वेट होता है 140 ग्राम्स। यानी एक नॉर्मल किडनी तकरीबन 140-150 ग्राम के आसपास होती है। अब किडनी का ये जो आउटर पार्ट है, तो ये बाहर का हिस्सा है। अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर जो है ना, वो प्रॉपर ड्रॉ कर पाएं, तो कुछ इस तरह से जो है ना होता है। तो ये जो आउटर हिस्सा है, ये एक फैटी लेयर होती है। ये जो आउटर हिस्सा है हमारा, ये फैटी लेयर होती है, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मेरे साथ कहेंगे कॉर्टेक्स। ये फैटी लेयर या ये जो आउटर पार्ट होता है, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इसके अंदर टाइनी नॉट्स होती हैं। नॉट्स यानी जिसको हम गिठाने कहते हैं या जिसको नॉट्स कहते हैं, टाइनी नॉट्स होती हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर ये आपको विजिबल हो, तो यहाँ पर जो है ना, वो टाइनी नॉट्स होती हैं। टाइनी नॉट्स होती हैं। ये ब्लैक कलर से अगर मैं आपको नज़र आ जाए, ये मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसी होती है। टाइनी नॉट्स होती हैं। तो ये नॉट्स किसकी होती है? ब्लड कैपिलरीज की। ब्लड कैपिलरीज की नॉट्स होती हैं, जो जिनका जिनकी मदद से ब्लड किडनी के अंदर आता है और वापस जो है ना, अपने जगह तक चले जाता है। तो इस कलेक्शन ऑफ किडनी को, या इन कलेक्शन जो एक कलेक्शन होता है किडनी का, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो ब्लड कैपिलरीज का कलेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इस कलेक्शन ऑफ किडनी को हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। अच्छा, हमने आउटर पार्ट की बात कर ली। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज की नॉट होती है, यानी गिठाने होती हैं। इस गिठानों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब हम चलते हैं ज़रा इनर पार्ट की तरफ, यानी किडनी के अंदर चलते हैं कि किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या होता है। किडनी जो है ना, वो
कि जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर हमें मिलता है मेड्यूला। क्या मिलता है स्टूडेंट्स? जो इनर पार्ट कहलाता है हमारा, वो कहलाता है इनर पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। इनर पार्ट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर मिलियंस ऑफ टिब्यूल्स होते हैं। अगर ये मेड्यूला है तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ टिब्यूल पाए जाएंगे, मिलियंस ऑफ टिब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम उसे नेफ्रॉन कहते हैं, हम उसे नेफ्रॉन कहते हैं। इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला, इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। इनर पार्ट के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ टिब्यूल्स विच वी कॉल्ड नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का काम क्या होता है? नेफ्रॉन बेसिकली जो है ना, वो फिल्टरिंग यूनिट है। यहाँ पर किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है। आपको ये बात जान के हैरत होगी, अगर मैं नेफ्रॉन को, इन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन को अगर मैं एक स्ट्रेट पाइपलाइन की तरह बनाता हूँ, एक स्ट्रेट पाइपलाइन में मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर्स बनता है। आप इमेजिन करें कि ये 300 किलोमीटर्स बनता है ये नेफ्रॉन को, अगर मैं खींच के या एक ट्यूब्यूल की फॉर्म में इस तरह से रखूँ। आगे चलते हैं हम किडनी के अंदर। तो किडनी के अंदर जब ब्लड एंटर होता है, तो ब्लड एंटर होने के बाद ये नेफ्रॉन के अंदर जाता है। नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन होती है। अभी किस तरह से वर्क करता है, इसकी डिटेलिंग हम इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। फिर फिल्टर होती है, फिर फिल्ट्रेशन के बाद किडनी का जो है ना, यहाँ से ब्लड पास आउट हो जाता है, और ब्लड तो फिल्टर होकर चले जाता है, वेस्ट मटीरियल यहाँ से पास आउट हो जाता है और ये बॉडी से बाहर चले जाता है। अच्छा, किडनी के साथ साथ खाली किडनी इन्वॉल्व नहीं होती, किडनी के साथ साथ कुछ और पार्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं उसकी मिसाल देता हूँ, यूरिटर, ब्लैडर, अच्छा यूरिटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा, तो ये तीन पार्ट्स और होते हैं। यूरिटर बेसिकली किडनी से निकल रहा होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है। अगर आप देखें तो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये अगर किडनी है तो ये यूरिटर है, और फिर यहाँ पर जो है ना, वो ये यूरिटर है, ये यूरिटर के ज़रिए जो है ना, वो किडनी के अंदर वेस्ट मटेरियल आता है, और ये ब्लैडर है, और फिर ये यूरिथ्रा होता है, यहाँ ओपनिंग होती है, ये यूरिथ्रा है हमारा, ये ब्लैडर है, और ये यूरिटर है। तो यहाँ से जो है ना, वो फिर बॉडी से वेस्ट मटेरियल पास आउट हो जाता है। बॉडी के अंदर ब्लड आप हर 5 मिनट के अंदर जो है ना, वो किडनी के अंदर आता है और फिल्टर होके हर 5 मिनट के अंदर, इन एवरी 5 मिनट्स, इन एवरी 5 मिनट्स ब्लड आता है और फिल्टर होके किडनी से चले जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 96% जो हमारा वाटर होता है वो वापस चले जाता है, मतलब यूरिन जो बॉडी से पास आउट होता है उसके अंदर 96% वाटर होता है, और 4% यूरिया और अदर सॉल्ट्स होते हैं। जो बॉडी से यूरिन निकलता है उसका 96% कंपोजिशन क्या होती है? वाटर की होती है, और 4% कंपोजिशन जो है ना, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस की, जैसे सॉल्ट है, यूरिया है और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। हमारे जो ब्लैडर है हमारी बॉडी में, ब्लैडर के अंदर 0.5 लीटर ऑफ यूरिन तक स्टोर किया जा सकता है। होता क्या है कि जब बॉडी के अंदर ब्लैडर फुल हो जाता है, यानी 0.5 लीटर तक यूरिन हो जाता है, तो वो हमें स्टिमुलस देता है कि भाई अब हमें यूरिनेशन के लिए जाना होगा। 2 साल तक की उम्र के बच्चे अक्सर जो है ना, वो ये चीज़ महसूस नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है मसल्स की,
जिसे हम जो है ना वो कंट्रोल कर पाते हैं बड़ी उम्र के साथ साथ, लेकिन छोटे बच्चे 2 साल के तक की उम्र के बच्चे, उनके लिए इस ओपनिंग को या इस मसल्स को कंट्रोल करना नियरर टू इम्पॉसिबल होता है, तो इसीलिए वो जो है ना अक्सर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है मसल, और फिर हम जो है ना इसे प्रॉपर तरीके से वर्किंग हो रही होती है और हम इसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो आज के सेशन का एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या क्या चीज़ें समझी। तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी के बारे में पढ़ा, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, किडनी के कुछ फैक्ट्स पढ़े। हमने क्या क्या फैक्ट्स पढ़े कि भाई किडनी 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 6 सेंटीमीटर वाइड होती है, 3.5 सेंटीमीटर थिक होती है और उसका वेट 140 ग्राम्स होता है। किडनी के बाहर जो आउटर हिस्सा होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज की नॉट्स होती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। उसके बाद इनर पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इनर पार्ट को मेड्यूला कहते हैं। अच्छा, मेड्यूला के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ टिब्यूल्स विच वी टर्म्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स लंबे होते हैं। प्लस हमने बात करी कि किडनी के अंदर जो है ना वो ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा, वो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर बनता है। हमने मजीद बात करी कि जो है ना वो किडनी के अंदर हर 5 मिनट के अंदर ब्लड आता है और फिल्टर होकर जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका हमने बात करी कि 96% वाटर होता है और 4% एक्स्ट्रा बोलेंगे वेस्ट मटेरियल। हमने ये भी बात कर ली, हमने कहा कि भाई ब्लैडर जो है वो 0.5 लीटर ऑफ यूरिन स्टोर कर सकता है। फिर हमने बात करी कि यहाँ पे एक मसल की पसल होता है जिसकी ओपनिंग की वजह से यूरिनेशन पॉसिबल हो पाती है और बॉडी से यूरिन खारिज हो पाती है। स्टूडेंट्स, किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं कि किडनी का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो किडनी जो है एक अडल्ट किडनी होती है 11.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3.5 सेंटीमीटर थिक। मजीद इसका जो वज़न होता है वो 140 ग्राम यानी 140 ग्राम्स होता है। एक नॉर्मल किडनी का वज़न जो अडल्ट किडनी होती है उसका वज़न 140 ग्राम्स होता है। किडनी सराउंडेड बाय फैटी केस और अ कैप्सूल। किडनी के बाहर एक फैटी लेयर होती है, एक फैटी केस होता है जो फैट से मिलकर बनता है। उस केस को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। उस केस के अंदर बहुत सारे टिब्यूल्स मौजूद होते हैं। टिब्यूल्स यानी ट्यूब्स, पाइप्स होते हैं ना एक तरह के, ब्लड टिब्यूल्स मौजूद होते हैं। उन टिब्यूल्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। नॉट्स होती हैं, गिठाने होती हैं, वो ग्लोमेरुलस। उस गिठानों की भी वजह है, वो हम आगे जब फंक्शन में जाएंगे तो हम बात करेंगे कि किडनी के बाहर एक फैटी केस हो गया, उन केसेस केस के अंदर टिब्यूल्स होते हैं, नॉट लगी हुई होती है उन टिब्यूल्स की नॉट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। जब आउटर पार्ट से जब हम अंदर जाते हैं यानी कॉर्टेक्स से हम अंदर गए किडनी के, तो अंदर के पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। अब अंदर का पार्ट जो है ना वो अंदर छोटे छोटे पैरामिड्स बने हुए होते हैं ट्राइंगल शेप के, उनका भी अपना पर्पज़ है। वो हम फंक्शन की तरफ जब जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि फिर किस क्या उनका काम है और क्या उनका मकसद है। अगर हम आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि जो टिब्यूल्स किडनी के अंदर मौजूद होते हैं, जो अभी मैंने आउटर टिब्यूल्स की बात करी, अगर हम उनको बैक टू बैक खींच के एक जो है ना पाइप बनाए तो तकरीबन 300 किलोमीटर तक बन सकते हैं। ये एक फैक्ट है जस्ट फॉर फन। अच्छा, अब हम चलते हैं इस किडनी के फंक्शन की तरफ कि किडनी किस तरह से फंक्शन करती है। तो किडनी के पास रीनल आर्टरी के ज़रिए, देखिए एक आर्टरी होती है जो किडनी की तरफ आ रही है उसे हम रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी के ज़रिए जो है ना वो ब्लड आता है। अब ब्लड कौन सा आता है? जो ख़राब हो या जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद हो, इम्प्योर ब्लड जिसे हम कहते हैं, इम्प्योर ब्लड आता है किडनी की तरफ रीनल आर्टरी के ज़रिए। अब रीनल आर्टरी के ज़रिए जब वो ब्लड किडनी के अंदर दाखिल हुआ तो फिल्ट्रेशन का आगाज़ होता है।